महाड़ा के 2030 घरों की लॉटरी हो गई है और सर ने अभी थोड़ी देर पहले अनाउंस किया कि मार्च में, यानी आज जिनको नहीं लगा उनके लिए मार्च 2025 तक और भी घरों की लॉटरी आएगी, तो आप निराश मत होइए। संजीव जायसवाल जी से सुनते हैं कि क्या कहना है सर, लॉटरी आने वाली है, आज तो हो गई उसके बारे में पहले बता दीजिए और नेक्स्ट लॉटरी आप कब ला रहे हैं? नहीं, सबसे पहले तो मैं आज की इस लॉटरी में जिन्हें यश मिला है, जिनका लॉटरी में उनका नाम आया है, उन सबको मैं अभिनंदन करना चाहता हूँ और खास करके जिन्होंने अर्ज किया, क्योंकि इस साल करीबन अगर आप अर्ज की प्रमाण देखेंगे तो करीबन 1,40,000 लोगों ने अर्ज किया था 2,000 घर के लिए, तो रफली उसका जो रेशियो है वो रेशियो 70 के ऊपर है, तो ये एक बहुत बड़ी एक उपलब्धि है। और इसके साथ में ये भी सिद्ध होता है कि माडा के घर सही मायने में परवड़ना अफोर्डेबल हाउसिंग है और काफ़ी हद तक इसकी डिमांड है। इसको मद्देनज़र रखते हुए जैसे कि पिछले 1.5 साल में हमने पूरे महाराष्ट्र में मुंबई बोर्ड के 2 लॉटरी, पूना बोर्ड के 2 लॉटरी, कोकण बोर्ड के 2 लॉटरी और वैसे नागपुर, नासिक और छत्रपति संभाजी नगर माने औरंगाबाद का ऐसा टोटल हमने 9 लॉटरी अभी तक किया है, जिसमें करीबन 30,000 घर हमने अभी तक 1 साल में हमने वाटअप किया है। और इसको मद्देनज़र रखते हुए शायद कल हम कोकण बोर्ड की नई लॉटरी डिक्लेयर कर रहे हैं, जिसमें करीबन 12,000 घर के आसपास पीएमएवाई स वो रहने वाला है। साथ ही में शायद कल या परसों पूना बोर्ड की लॉटरी अनाउंस हो रही है, जिसमें भी फिर करीबन 4,000 से 5,000 घर पीएमएवाई के साथ ये होने वाला है। तो ऐसे 2 लॉटरी अभी इमीडिएटली लॉन्च होगी आज, कल या परसों में। और इसके अलावा जहाँ तक मुंबई का सवाल है, तो हम जैसे मैंने अपने मनोगत देते हुए कहा था कि हम इसके लिए बहुत ही प्रयत्नशील है कि अगले साल मार्च से जून के बीच में 2025 की मुंबई की फिल लॉटरी हम घोषित करेंगे। सर कितने घर हो सकते हैं उसमें? नहीं, इसका अंदाज अभी मैं दे नहीं सकता हूं, बट करीबन इतना जरूर है कि 2,000 से 3,000 घर तो डेफिनेटली रहेगी। तो सर इस बार जो एप्लीकेशन आए 1,34,000 तक एप्लीकेशन आए, 200% से भी ज्यादा पर हाउस, व्हाट डू यू थिंक, व्हाई आर पीपल, क्यों इतना लोग महाड़ा के घरों के लिए कर रहे हैं? देखिए ऐसा है, प्राइवेट बिल्डर्स ने घर बनाना ही बंद कर दिया। नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। प्राइवेट बिल्डर्स की अफोर्डेबल हाउसिंग में उनका एक बहुत बड़ा योगदान है। महाड़ा के घर के बारे में मैं इतना ही कहूंगा कि 2 कैटेगरी हमारे घर के, एक तो जो है जो घर हम खुद बनाते हैं, वहाँ पे चूंकि लैंड फैक्टर डिस्काउंटेड रहता है और शायद अगर प्राइवेट से कंपेयर करूँ तो उतनी बड़े पैमाने में एमिनिटीज नहीं रहती है, लेकिन बिल्डिंग ऑब्वियसली क्वालिटी सेम है। तो उस वजह से अगर आप जैसे पहाड़ी गोरेगांव अगर इस बाकी एरिया में देखेंगे, कन्नवा नगर देखेंगे, विक्रोली देखेंगे, यहाँ पे जो घर बनती है हमारी उसका डेफिनेटली मार्केट के रेट से तो एनी डे वो कम से कम 50 से 60% या उससे भी ज़्यादा उसमें डिस्काउंटेड है। रही बात जो माडा को रीडेवलपमेंट के द्वारा खास करके 33-5 और 33-7 ये जो 2 हमारे स्रोत है जिसके द्वारा हमें घर मिलती है, तो पिछले बार की मुंबई बोर्ड की लॉटरी के अनुभव और खास करके इस साल भी जब हमने लॉटरी अनाउंस किया था तो कुछ कीमतों के बारे में लोगों का कुछ निवेदन आई थी और खास करके जो हमारा एक पॉलिसी है कि 110% ऑफ द आरआर इस बेसिस पे हम करते हैं, तो शायद उसमें और मार्केट रेट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहती है। इसलिए हम लोगों ने एक डिसीजन लॉटरी लॉन्च करने के बाद लिया था जहाँ पे 25% से लेके 10% माने EWS के लिए 25%, LIG के लिए 10%, LIG के लिए 20%, MIG के लिए 15% और HIG के लिए 10%, इतना घट हमने ब्लैंकेट किया है और शायद उसकी वजह से और भी ज़्यादा प्रमाण में इस साल एप्लीकेशन नहीं है। और अब चूंकि ये पॉलिसी बन गई है तो आगे भी इसी सूत्र पे दर की कॉस्टिंग किया जाएगा। और मैं एक और कहना चाहूँगा कि जहाँ तक माडा का खुद का भी घर का सवाल है, उस पर भी उसकी कॉस्टिंग का जो अभी फिलहाल क्राइटेरिया है वो क्राइटेरिया को रिविजिट करके उस पर एक समिति गठित की गई है जो ये हमें रेकमेंड करेगी कि हम आज जो कॉस्टिंग निकालते हैं उस सूत्र में अगर कुछ बदल किया जाए तो उसकी माडा के द्वारा बनाए हुए घर की भी कीमत कैसे कम किया जा सकता है। यानी सर 17,000 घर की लॉटरी आप 2 दिन में अनाउंस करेंगे, 12,000 यहाँ और 5,000 करीबन 17,000 मैंने अभी 11,000 से 12,000 कोकण का है और 4,000 से 5,000 पुणे बोर्ड का है। कोकण बोर्ड का तो लॉटरी मैं ही कल लॉन्च कर रहा हूँ और पुणे बोर्ड का जो लॉटरी है कोकण बोर्ड कहाँ होंगे घर? कोकण बोर्ड मंजे आपके जो ये पूरे ठाणे यानी क्लोज टू मुंबई, क्लोज टू मुंबई, आउटसाइड मुंबई, MMR रीजन, कोकण डिवीजन जो है। प्राइस रेंज
नहीं अभी प्राइस रेंज तो जो MMR रीजन का प्राइस रहता है वो तो खैर वेरी करता है, 20-22 लाख से लेके करीबन मैक्सिमम 80 लाख 1 करोड़ ऐसे, उसके ज्यादा नहीं होगा, बट वो अलग अलग कैटेगरी में है। बट जहाँ तक LIG और EWS का सवाल है तो वो बहुत ही डिसेंट रेंज में रहेंगे। जो पिछले बार ओपन बोर्ड की लॉटरी में घर नहीं बिके थे वो इस लॉटरी में? देखिए जो लॉटरी नहीं जाती है, जो घर नहीं जाती है, वो तो खैर हमारा FCFS में इस लॉटरी में भी रहेगा, फर्स्ट कम फर्स्ट सब में रहेगा, और फर्स्ट कम फर्स्ट सब में उसको रखते हुए हम लोगों ने जो नॉर्मली उस पर हम इंटरेस्ट कैपिटलाइजेशन करके प्राइस बढ़ाते हैं वो हमने फ्रीज कर दिया है। तो हमने वो फ्रीज कर दिया है तो मुझे उम्मीद है कि प्राइस फ्रीज होने के वजह से शायद इस बार जो न गए हुए घर है उसकी उसकी डिमांड आएगी। और जैसे मैंने कहा कि ये जो संख्या है ये अनसोल्ड टेनमेंट्स खास करके, जिसमें विराट बोरिंच का आपने घर ने नहीं लिया है क्योंकि एक बड़ा कैटेगरी है, क्योंकि उसके लिए ऑलरेडी हमने कुछ कंसल्टेंट्स और कुछ एजेंसीज अपॉइंट किया है उसको किस तरह से बल्क में अपन डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं। देखिए पुलिस के लिए जो है सबसे पहली बात तो ये है कि आपको भी पता है कि थाने में वर्तक नगर में जो पुरानी माड़ा की वसाहत थी जहाँ पे पुलिस की हाउसिंग थी, बिल्डिंग नंबर 44-45 वगैरह जो भी है, वो सालों से वो प्रोजेक्ट वायबिलिटी में बैठ नहीं रहा था इसलिए वो अटका हुआ था। और मुझे कहते हुए आनंद होती है कि एक 10 से 12 साल के पहले जो मैंने अनडिसाइडेड इशू था उसका हमने वर्क ऑर्डर पुलिस की हाउसिंग फॉर वर्तक नगर थाने उसका वर्क ऑर्डर दिया गया है और वो काम भी शायद साइट पे चालू हो गई है या चालू हो जाएगी। रही बात मुंबई में जो 27 लोकेशन है जहाँ पे पुलिस की हाउसिंग है, तो वहाँ पे पिछले कुछ दिनों में CP मुंबई, होम डिपार्टमेंट और हाउसिंग डिपार्टमेंट और हमारे राज्य के उप मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी जिनके पास गृह विभाग है, उन सब के लेवल पे हमने इनका एक फाइनल प्रेजेंटेशन कर दिया है और वो फाइनल प्रेजेंटेशन को प्रिंसिपली अप्रूव की गई है, जिसमें ये 17 लोकेशन के अंतर्गत 7 लोकेशन में हम पुलिस के लिए 4,500 घर बना के देंगे जो उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, जिसमें मैक्सिमम घर जो है वो अपना 450 स्क्वायर फीट की और कुछ घर जो है वो 600 स्क्वायर फीट का है। फिलहाल अभी उसकी टेंडर पेपर तैयार करने की प्रोसेस चालू है और ऐसे तो कोशिश था कि कोड ऑफ कंडक्ट लगने के पहले हम उसका टेंडर पब्लिश करें, पर शायद कोड ऑफ कंडक्ट के पहले हम नहीं कर पाएंगे। तब तक पूरा तैयारी होने के बाद में जैसे ही कोड ऑफ कंडक्ट खत्म होता है करीबन 4,500 पुलिस कर्मचारी के लिए जो डिलैपिडेटेड बिल्डिंग्स में रहते हैं उनके लिए क्लस्टर अप्रोच या CND अप्रोच के माध्यम से माडा के तरफ से टेंडर पब्लिश की जाएगी। Are you satisfied with the BDD cut, the way it is going? You see, to be very honest to you, BDD as far as phase 1 is concerned is going on in a very good way. The issue is regarding the phase 2 and the phase 3 because obviously because of reasons, you know, elections around the corner, I would say that, you know, like everyone wanted to be adjusted in the phase 1 of the 3,000 buildings which we are constructing in Worli. And obviously, Naigaon and NM Joshi, there is no problem whatsoever. The work is progressing absolutely as per plan. Only in Worli now, maybe after the elections are over, for to start the phase 2 works, we need to vacate the buildings where people are residing. And which I feel we have already planned on that and that will be implemented. But overall, yes, I am very happy with the BDD work. And as already said before, the first lot of the rehab tenements in BDD, Worli, we are planning targeting somewhere in March 2025. Worst come worst, because of some technical reasons or lift, you know, because all this lift and all take some time. Worst come worst, by May or June, the first lot will be allotted as far as BDD Worli is concerned. And the same holds true for maybe Naigaon and NM Joshi, which will be sometime in October or December. Sir, last question. We won't take much of your time. Aapne Patrachal se kuch ghar aa rahe. Kitne aa rahe aur kab tak aa rahe? तो पत्राचाल में मैं इतना ही कहूँगा कि ये एक क्या बोलते हैं पैंडोरा बॉक्स था, जो पैंडोरा बॉक्स में शायद ही कोई इस पर कुछ कदम उठाना चाह रहा था, लेकिन शायद सबकी सहमति से फाइनली हमने ये डिसाइड किया कि इसमें प्लंज लिया जाए और जिसकी वजह से आज कहते हुए मुझे मैं इसको बिल्कुल ही कॉन्फिडेंटली और ऑफिशियली कह सकता हूँ कि करीबन फर्स्ट फेज में 2500 के आसपास घर 2500 हाउसेस हम माडा के तरफ से पत्राचौल में बनाएंगे। तो उसकी जो पूरी डायनेमिक्स थी कि वो प्राइवेट लैंड और प्राइवेट डेवलपमेंट, उसको हमने बदल के पत्राचौल का माडा के थ्रू 2500 घर का हमने टेंडर फाइनल किया है। कल ही उसकी अप्रूवल गवर्नमेंट से आ गई है और शायद परसों से पत्राचौल में इन घरों की काम
शुरू होगी। तो कब तक एक्सपेक्ट कर रहे हैं आ जाएगा घर? देखिए, एक घर बनने में जो है वो तो करीबन, चूंकि हाई राइज बिल्डिंग है तो करीबन 2.5 से 3 साल तो लगती है। तो अभी हम वही सोच रहे हैं कि अगर जैसे नॉर्मली माडा जो लॉटरी करती है वो घर का प्रोसेस पेमेंट का जो है 18 महीना का रहता ही है, तो उसी तौर पे इसको अगर हम एडवांस कंट्रीब्यूशन के बेसिस पे ले तो थोड़ा कॉस्टिंग भी कम सकता है, तो वो उस पर हम वर्कआउट कर रहे हैं। बट ऑब्वियसली अगर सिर्फ रिकॉर्ड्स के तौर पे कहूँ तो अगर मान लीजिए कि अभी अगर ये काम 24 में चालू होगी तो 27 का मिड या 27 एंड तक पतरा चौल में 2500 घर की निर्मिति होगी। और उतना ही नहीं, शायद इलेक्शन हो जाने के बाद में हम एक दो और प्लॉट पे और घर बनाने का हम उसकी वर्कआउट कर रहे हैं, तो वो भी शायद हम आगे करेंगे।